नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैला अग्रवाल और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। और डर्मेटोलॉजिस्ट का काम आपको आपकी स्किन के बारे में चीजें बताना भी है, जो चीजें आपको रोज बरोज परेशान करती हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि उसके लिए क्या करें और आपने अपने जो नुस्खे किए वो अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ऐसी एक समस्या है बॉडी ओडर, जिसे हम ब्रोमोहाइड्रोसिस कहते हैं। बॉडी ओडर को ठीक करने के लिए लोग उस पे और ओडर्स या खुशबूएं लगाते रहते हैं, जैसे तरह तरह के आप फ्रेग्रेंसेस यूज करते रहते हैं या डिओड्रेंट यूज करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बॉडी ओडर को ट्रीट नहीं करता, सिर्फ उसको मास्क करता है, मतलब सिर्फ छुपाता है और शायद वो दो खुशबूएं बनकर एक और खुशबू बन जाती है। बॉडी ओडर शुरू होता है जब व्हेन यू हिट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी में आते हैं बच्चों में बॉडी ओडर नहीं होता है। एक अलग तरह के स्वेट ग्लैंड है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, जिनका थिक स्वेट होता है। वो स्वेट जब सिक्रीट होता है उसमें बैक्टीरिया काम करते हैं तो वो ओडर देता है। क्या ओडर होता है, हर आदमी का स्पेसिफिक होता है, लेकिन आपके खाने पीने के ऊपर भी वो ओडर डिपेंड करता है। तो इसलिए बॉडी ओडर को ट्रीट करने का एक नुस्खा ये भी है कि जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड्स हैं, जैसे गार्लिक है या सल्फर है, ये आपको अपनी डाइट में शुमार नहीं करना चाहिए। आर्मपिट्स एंड ग्रॉइंस, ये तो जगह है जहाँ पर पसीना इकट्ठा होके, और फुट ओडर की तो बात ही अलग है, वो हम अलग एक मौजू है उसको डील करेंगे। आज हम आर्मपिट और ग्रॉइंस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको बॉडी ओडर को दूर रखना है, सबसे पहले हेयर्स को शेव कीजिए। अगर आप हेयर रिमूवल करा सकते हैं वो कराइए, बिकॉज जितने हेयरी एरिया होता है उतना ही बैक्टीरिया को पनपने की जगह मिलती है। उसके साथ साथ जो भी स्वेट सिक्रीट हो रहा है वो लाजमी है कि अगर आप उसे हटा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो आप दिन में दो बार नहाएंगे। आपके जो कपड़े हैं, क्योंकि वो स्वेट उसमें भी जज्ब हो जाता है, उसको आप डिओड्रेंट वाले पानी में, मतलब एक खुशबू वाले पानी में अलग से धोएंगे। उसके अलावा कोशिश ये करेंगे कि आप अपने आप को रिहाइड्रेट रखेंगे, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए ताकि जो स्वेट सिक्रीट हो रहा है वो थिक ना हो। उसके अलावा स्वेट को कम करने का नुस्खा देखिए, स्वेट को बंद नहीं करना है, इसलिए एंटी परस्परेंट बिल्कुल नो नो है। स्वेट जरूरी है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए। हमें सिर्फ डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना है, और वो भी कोशिश कीजिए रोल ऑन डिओड्रेंट की, क्योंकि वो वैक्स बेस होते हैं, जो अल्कोहल वाले आप स्प्रे करते रहते हैं ना, ये नॉन गैस वाले, वो स्किन को और ज्यादा इरिटेट करते हैं। दूसरा तरीका होता है एप्पल साइडर विनेगर, उसको एक पानी में, एक कप में, उसमें पानी में एक चम्मच डालिए, बड़ा चम्मच, और उसमें कपड़ा रख के उसे अच्छी तरह सोखिए। दूसरा तरीका होता है बाल्टी के पानी में एलम फिटकरी जो होती है उसे डाल दीजिए और आखिरी रिंस उससे कीजिए नहाने का। ये सब वो तरीके हैं जो स्वेट सिक्रीशन को कम करता है, खत्म नहीं करता है, और उसके साथ साथ स्वेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को हटाता है। तो अगर आप बॉडी ओडर से परेशान हैं तो आज से ही आपका मिशन है, पहली बात सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनेंगे, लूज कपड़े पहनेंगे, पानी अच्छी तरह पिएंगे, एक रोल ऑन डिओड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे, जब भी मौका मिलेगा एलम वाले पानी से अपने आप को रिंस करेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि जज्बाती होने से भी स्वेट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही स्वेट प्रोडक्शन कम होगा, आप खुशहाल रहेंगे। और टेक केयर, लेक्सअप को डाउनलोड कीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम किससे पूछिए, हमसे पूछिए, हमें लिखिए, हम उस बात पे जरूर कुछ ना कुछ रोशनी तो डालेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।